आज हम बनाने जा रहे हैं अखा मसूर का पुलाव। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसका एक एक दाना खिलता है, तो चलिए मिलके बनाते हैं। कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ ऑनिस किचन में। यहाँ पे एक मोटे पैने का बर्तन मैंने ले लिया है, 2 बड़े चम्मच तेल के। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, लेकिन गर्म तेल में तड़का नहीं लगाया जाता है, उसको हल्का सा ठंडा किया जाता है। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और एक स्टार एनिस और 2 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। मसाले तड़कने चाहिए लेकिन जलने नहीं चाहिए। 2 मीडियम साइज के प्याज जिनको स्लाइस कर लिया है वो ऐड कर देते हैं। अब हाई फ्लेम पे इस प्याज को भून लिया जाएगा गोल्डन ब्राउन होने तक। अनियन यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मेरे पास ऑलरेडी बरिस्ता रखा हुआ है। अगर आपके पास में ये नहीं है, ब्राउन ऑनियन नहीं है, तो आप इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 2 की जगह 3 प्याज का इस्तेमाल करना होगा। यहीं पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे लहसुन की खुशबू आने लग जाए उसके तुरंत बाद हम यहाँ पे आलू का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे आलू 2 मीडियम साइज़ के काटे में, लेकिन साइज़ छोटा छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना पकने में वक्त लगता है। अब आलूओं को भी यहाँ पर भून लिया जाएगा। आलू को लगभग 2 मिनट हमने यहाँ पर भूना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप अखा मसूर डाल रहा हूँ। ये लगभग 2 घंटे भिगो के रखी थी पहले से। जब भी मसूर दाल लेके आए बाज़ार से, तो मसूर का जो दाना है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी मसूर का दाना काफ़ी अच्छा और टेस्टी होता है। अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको अच्छा से भून लिया जाएगा। दाल और आलूओं को भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। दाल और आलू लगभग 50% के आसपास यहाँ पे पक चुका है। बाकी हम चावल के साथ पकाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम 1 कप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया गया है। फटाफट से इसको मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम को डाउन रखेंगे। दही भी यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुका है। दही पकाने के बाद में अब हम डालेंगे इसके अंदर राइस। ये बिरयानी राइस है, कोई सी ब्रांड का ले लीजिए, बिरयानी राइस का इस्तेमाल करना है। 1/2 घंटा इसको सोक करना है। और अब इसमें 2 कप राइस का इस्तेमाल किया मैंने। स्पाइसी करने के लिए 2 से 3 हरी मिर्च, 5-10 काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई, 2 कप राइस हैं, 1 कप दाल है। टोटल मिला के 6 कप पानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी नाप के डालना है, नमक जाएगा स्वाद अनुसार। अब गैस की फ्लेम को तेज कर लीजिए और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पानी में उबाल आ चुका है, इसको 1-2 बार हम स्टर कर लेंगे। जैसे ही पानी दिखना बंद हो जाएगा उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। देखिए पानी दिखना यहाँ पे कम हो चुका है। 1 बड़ा चम्मच देसी घी का, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये रहा बरिस्ता, लास्ट में डालते हैं तो इसका टेस्ट अलग आता है, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता है। कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते। अब मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम या लो कर दूंगा। अब इसको कम से कम 12 मिनट हम पकाएंगे इसी तरह से। लगभग 12 से 14 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन इसको खोलना नहीं है, इसको खोलेंगे लगभग 10 मिनट के बाद में। गैस की फ्लेम को बंद किए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए, और जो पानी आता है इसको भी हटाना है, इसमें नहीं डालना है। 10 मिनट के अंदर राइस बहुत ही बढ़िया तरह से सेट हो जाता है। और जब भी काटते हैं, इसको निकालने का तरीका साइड में से होता है, बीच में से नहीं होता है। ये देखिए, एक एक चावल इसमें बहुत ही अच्छी तरह से खिला हुआ है और सॉफ्ट भी है, पक भी अच्छी तरह से गया है।